भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज जीत चुकी है, अब निगाहें टी20 वर्ल्ड कप पर है। टीम के पास कई विकल्प है और साथ ही कुछ सवाल भी। कौन होगा ओपनर, मिडल ऑर्डर, स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट और तेज गेंदबाजी को लेकर टीम इंडिया को मंथन करना है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया। टीम ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। अगले साल अक्टूबर में टी20 वर्ल्ड कप होना है और भारतीय टीम इसके लिए खुद को तैयार कर रही है। रोहित राहुल स्विच। रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप पर फिट होने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि रोहित धवन की साझेदारी एक बार फिर पारी की शुरुआत करेगी। केएल राहुल को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने जाना पड़ सकता है। भारतीय मिडल ऑर्डर में मौजूद अनिश्चितताओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह भारत के लिए अच्छी चीज हो सकती है। मिडल ऑर्डर की समस्या, यह भारत के लिए कई समस्या है। संजू सैमसन, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर के नाम सबसे आगे है। सैमसन ऑस्ट्रेलिया में मिले मौकों का फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन उनके स्ट्रोक्स प्ले ने उम्मीद जरूर जताई। एडम जंपा के खिलाफ एक ओवर को छोड़ दे तो अय्यर ने सीमित ओवरों की सीरीज में कुछ खास नहीं किया। वहीं पांडे की बात करें तो उन्हें अधिक मौके नहीं मिले। इस टीम में सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन का नाम शामिल कर ले तो कप्तान विराट कोहली के पास कई विकल्प हो सकते हैं। मंगलवार को तीसरे टी20 में हार के बाद कोहली ने माना कि भारतीय टीम ने मिडल ओवर में अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। इसके साथ ही अब एक सवाल यह भी उठता है कि क्या ऋषभ पंत को अगले साल अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड कप की टीम में जगह बना पाएंगे। हार्दिक पांड्या ने एक दमदार फिनिशर के रूप नंबर 6 पर अपनी जगह पक्की कर चुके हैं, लेकिन क्या वह वर्ल्ड कप में अपने कोटे के 4 ओवर फेंक पाएंगे? अगर पांड्या अपने एक्शन में जरूरी बदलाव कर अपने कोटे के पूरे 4 ओवर फेंक लेते हैं तो वे बहुत बड़ा हथियार हो जाएंगे। इसके अलावा घरेलू परिस्थितियों में रविंद्र जडेजा का कोई मुकाबला नहीं। मौजूदा हालात में देखें तो भारत के पास सिर्फ जडेजा ही ऑलराउंडर के रूप में मौजूद नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ अन्य की जगह बना सकती है। मौजूदा बैटिंग फॉर्म को देखते हुए जडेजा को 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने भेजा जा सकता है और 6ठे नंबर पर पांड्या हो सकते हैं। तेवतिया भी दावेदार। टीम इंडिया के पास ऐसे में नंबर 7 पर एक और ऑलराउंडर का विकल्प खुला है जो गेंदबाजी का 6ठा विकल्प दे और साथ ही आक्रामक बल्लेबाजी भी कर सके। इस भूमिका के लिए टीम प्रबंधन के पास राहुल तेवतिया, कृणाल पांड्या, अक्षर पटेल, विजय शंकर जैसे तमाम विकल्प हैं। समस्या यह है कि किसी के भी नाम पर एक राय नजर नहीं आती है। शार्दुल ठाकुर को बनाएंगे ऑलराउंडर। भारत शायद शार्दुल ठाकुर को बल्लेबाजी को सुधारने के लिए प्रोत्साहित करने का काम कर सकता है। ठाकुर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टी20 में आक्रामक बल्लेबाजी की। टीम प्रबंधन उन्हें नंबर 7 पर बैटिंग करने भेज सकता है। इससे एक अतिरिक्त गेंदबाज के लिए भी जगह बन सकती है। युजवेंद्र चहल का घरेलू मैदान पर खेलना लगभग तय है। इसके साथ ही जडेजा भी अंतिम 11 में होंगे। अगर इसके साथ सुंदर को भी जोड़ दे तो टी20 स्पिन का एक ताकतवर अटैक बन जाता है। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर स्पेसन और जंपा की जोड़ी ने मिलकर बेहतर प्रदर्शन किया और बीच के ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों पर लगाम लगाई। सुंदर ने हालांकि मौकों का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने 7.8 रन प्रति ओवर से गेंदबाजी की। वह बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। जडेजा, सुंदर और चहल हालांकि तीनों अब तक एक साथ नहीं खेल सकते जब तक कुछ नियमित खिलाड़ी आराम न करें। फील्डिंग रही खराब। भारत के पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्डर्स हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला। भारत को इस क्षेत्र में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। बुमराह और शमी या शार्दुल ठाकुर तो टीम में होंगे, लेकिन टी नटराजन ने अभी तक मिले मौक़ों का पूरी तरह बुनाया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सटीक गेंदबाजी की। कप्तान विराट कोहली ने भी साफ किया है कि नटराजन टीम इंडिया के वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा है, लेकिन अब सवाल है कि दीपक चाहर का क्या होगा। फ्रेंड्स, आपका भारतीय टीम के बारे में क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।